जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 60 साल हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपरनेचुरल पार्ट्स थी? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे, तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब से जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा, तो आइंस्टाइन उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देख के सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजे में छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे, इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें कुछ लोगों ने तो शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। खास करके आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट्स में फेल होते थे, और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है, और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन के मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था, और वो वहां से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है, और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन से काफी छोटा था, क्योंकि दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 भागों से टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया, ताकि वो अच्छे से देख सके कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए, जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों से ज्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफी अलग था। दरअसल ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है, जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीकों से विकसित होता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था।
जब साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पैरिएटल ऑपरिकुलम मिसिंग है, जिसके कारण उनके ब्रेन की पैरिएटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज्यादा बड़ा था। साइंटिस्टों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा थी, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी, जिस वजह से आइंस्टाइन को ज्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कॉन्सेंट्रेशन और दूरदर्शिता और उसे कई ज्यादा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ज्यादा फोल्ड थी, जो उनकी इंटेलिजेंसी का और एक कारण था। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़े के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टाइन के दिमाग और इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन टेक्निक के जरिए आइंस्टाइन के दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जानने में कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या गलत, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार विषय के साथ। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।